मैं ताहिर फराज आपसे मुखातिब हूँ। आदाब। उर्दू अकेडमी दिल्ली की जानिब से जो मुशायरे और सेमिनार्स और मुख्तलिफ़ अकसाम की मुख्तलिफ़ असनाफ में जो कोशिशें होती हैं और जो उनकी जो काविशें हैं वो वाकई काबिल सताइश हैं, और ख़ास तौर से जो हमारा नौजवान तबका है, नौजवान नस्ल है, उसके लिए बस मैं यही अर्ज़ करूँगा कि लोग कहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल या उर्दू के रीडर्स कम हो गए हैं लिखने वाले पढ़ने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख़ में उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले, शायरी करने वाले वो तमाम लोग भी हैं जो अब से पहले नहीं थे। तो जगह जगह बस्तियाँ भी बन रही हैं उर्दू की, मैं ख़ुद भी जाता रहता हूँ बाहर के ममालिक में, और इसी सूरत से दिल्ली और उसके अतराफ में जो कोशिशें जारी हैं वो मेरे नौजवानों के लिए ख़ास तौर से बहुत ही कमाल की कोशिशें हैं, और उनकी काविशें हैं और उनकी जो मेहनत है वो उसको उर्दू एकेडमी जाहिर करती है, वाजे करती है और उनको मौका देती है, प्लेटफॉर्म देती है। तो इसलिए उर्दू एकेडमी का दिल्ली उर्दू एकेडमी हो या लखनऊ या कहीं की भी हो, इन एकेडमीज़ के जो काम हैं और इनके जो कारनामे हैं वो बहुत उम्दा हैं, और हमारे लिए ख़ास तौर से ये काबिल क़द्र बात है और काबिल इत्मीनान बात भी है कि उर्दू एकेडमी दिल्ली अपने तौर पे उर्दू के सिलसिले में, ज़बान के सिलसिले में, अदब के सिलसिले में बेहतर काम कर रही है।